टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा कौसा में रास्ता रुंदीकरण और शिमला पार्क तालाब का सलमा रिजवी ने उठाए सवाल। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। पिछले महीने सलमान रिजवी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मुमरा कौसा में जो एक तालाब है, एकलौता तालाब को लेकर मुमरा प्रभाग समिति के दफ्तर पर धरना दिया था। तालाब को साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, प्राइवेट तरीके से नहीं बल्कि ठाणे महानगर पालिका उसे चलाए यानी चलाना चाहिए। और फिर एक बार सलमान रिजवी 27 दिसंबर को ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन शर्मा के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर तैनात गार्ड ने उन्हें रोक लिया, यानी रोक दिया। सलमान रिजवी की दूसरी मांग थी रास्ता रुंदीकरण में तोड़े गए दुकान मकान रास्ता चौड़ा करने के नाम पर 20 करोड़ 35 लाख कहां गए, उस पर कार्रवाई की मांग की है। यानी जो रास्ता रुंदीकरण में तोड़े गए थे, फिर उसको ठीक करने के लिए, यानी जो शहर का मुख्य रास्ता है उसे ठीक करने के लिए 20 करोड़ 35 लाख रुपए वर्क ऑर्डर में निकाला गया, उसे ठीक करने के लिए वो कहां गए, और सुनिए रिजवी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, दो मुख्य विषय हैं जिस पे रिसेंटली मैंने 6 दिसंबर 2021 को मैंने आयुक्त थाने महानगर पालिका को एक लेटर दिया हूँ, सहायक आयुक्त मुमरा प्रभाग समिति को एक लेटर दिया हूँ, मुमरा प्रभाग समिति अध्यक्ष दीपाली मोतीराम भगत को एक लेटर दिया था, जो 2016 के अंदर हर जगहों पे पूरे थाने शहर के अंदर रास्ता रुंदीकरण की कार्रवाई चालू हुई थी, जिसमें संजीव जायसवाल साहब थे उस टाइम पे कमिश्नर। तो उसके बाद जो उन्होंने तोड़ा, पूरे मुमरा शहर को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद 2018 के अंदर निधि पास हुई थी 20 करोड़ 35 लाख 75 हज़ार 500, उसका मैंने दौरा मांगा था मुमरा प्रभाग समिति सहाय आयुक्त सागर सालू के हिसाब से। तो आज 25 दिन हो गया वो मुझे दौरा नहीं दिए थे। वो 20 करोड़ जो आया था, जो रास्ता रुंदीकरण हुआ था, सर्विस रोड हुई थी, जो पाइपलाइन रोड के बीच में उसको पीछे लेने के लिए पैसे थे, जो केबल से लाइट के उसको पीछे लेने के लिए दिए गए थे पैसे, सर्विस रोड बनाने के लिए दिए गए थे पैसे, मुख्य जो रास्ते हैं शहर के अंदर उसको बनाने के लिए वो पैसे दिए गए थे, वो पैसा गया किधर? मैं आयुक्त साहब से मांगनी किया था कि मुझे उस पर कार्रवाई चाहिए। और जो दौरा करके तो TMC का कहां तक काम पहुंचा है और कितने दिन में ख़त्म होगा, मैं तो शहर के अंदर रहता हूं, मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जो पैसे आए थे 2018 में कहीं लगे हुए। तो मैंने इनसे मांगनी करी कि मुझे दौरा चाहिए, और 25 दिन बाद अगर दौरा नहीं देंगे तो मैं यहाँ पे आके धरना दूंगा, मुझको अंदर जाने नहीं दे रहे। उन लोग की इतनी धांधली हो गई है, कमिश्नर से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे गेट पे खड़ा रखे। आज मेरे साथ जनता है, मेरे साथ लोग आए, मेरे कार्यकर्ता आए हुए, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा एक विषय ये था कि 2 नवंबर को भी मैंने एक लेटर दिया था, हमारे मुमरा शहर के अंदर एक तालाब पाली है, जो मुमरा शहर के अंदर एक ही तालाब पाली और गार्डन है, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाके खिलाते हैं और घुमाते हैं। लेकिन वो तालाब पाली की इतनी ख़राब स्थिति है, मैंने लेटर दिया था कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी को तुम लोगों ने दिया है उसको गवर्नमेंट मतलब TMC अपने ताबे में लेके और TMC चलाए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको एक महीने से ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मुझे रिवर्ट नहीं दिया गया, कोई मुझे जवाब नहीं दिया गया। इसके लिए मैंने ये सोचा कि थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा जी से मैं मुलाकात करूँ और विषय पर बात करूँ, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है और मुझे सिक्योरिटी अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अगर अंदर जाने नहीं देगा तो मैं महानगर पालिका के रोड पे बैठूंगा, लेकिन आज मिल के बात करके चर्चा करके जाऊंगा कि मुमरा शहर के साथ RTI डाला था, मेरे पास वो भी है, वर्क ऑर्डर के रिपोर्ट भी हैं पहले की। RTI आपने डाला था, उसका कोई जवाब नहीं आया? नहीं, RTI नहीं था, मैंने RTI डाला 2018 में जो वर्क ऑर्डर पास हुआ था 20 करोड़ 35 लाख 75 हज़ार 500, ये महानगर पालिका के RTI मैंने डाला था, उनके लेटर हेड पे दिया गया है। तो ये माहिती देने के लिए उन लोग डर क्यों रहे? जो भ्रष्ट अधिकारी उनको सस्पेंड करो, उनको भगाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग पूरा शहर को करप्ट बना रहे, पूरे सबको धोखे में रख के इतना भ्रष्टाचार हो रहा है शहर के अंदर, इसको रुकवाने के लिए मैं आज कमिश्नर के पास आया हूँ। वो मिले नहीं है, लेकिन आज मैं मिल के जाऊँगा, मुलाकात करके जाऊँगा।